किसी लोगों ने कुछ कहा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, इस आधार पर कैंसिलेशन हुआ है। पुनर्समीक्षा करके जो होगा फिर सामने बात आ जाएगी। जातिगत बातें कही गई है तो पदाधिकारी की जात नहीं होती है और अच्छी तरह से उनको समझना चाहिए। सरकार में वो भी रहते हैं, आएंगे भी जाएंगे भी। आरोप लगना तय है कि आरोप तो लगेंगे। भगवान रामचंद्र पर भी आरोप लगा था, भगवान सभी भगवान पर आरोप लगे हैं तो हम पर क्यों नहीं लगेगा। तो आरोप से मैं नहीं घबराता हूँ। हमारे साथ भूमि राजस्व मंत्री राम सूरत राय हैं और आज खास करके बिहार की बात करें तो काफ़ी सुर्खियों में है। इनके विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र हुआ था जिसको सीएमओ यानी सीएम कार्यालय से रोक लगा दी गई है। क्या कहेंगे मंत्री जी? हमारा विभाग चर्चित रहने वाला विभाग है, चर्चा में रहना अच्छी बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका विशेषाधिकार है, हम सब लोग उनके अधीन काम करते हैं। किसी लोगों ने कुछ कहा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, इस आधार पर कैंसिलेशन हुआ है। पुनर्समीक्षा करके जो होगा फिर सामने बात आ जाएगी। विपक्ष आपको घेर रहा है, जैसे तीन आरोप आप पर लगे हैं, जातिगत अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है मनचाहे, पैसे लेकर के पोस्टिंग की गई है और दो साल तीन साल पर उमन अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है तो दो साल से कम वाले की पोस्टिंग की गई। निश्चित रूप से विरोधी स्वागत नहीं करता है, घेरने का ही काम करता है। और जातिगत बातें कही गई है तो पदाधिकारी की जात नहीं होती है और अच्छी तरह से उनको समझना चाहिए। सरकार में वो भी रहते हैं, आएंगे भी जाएंगे भी। और जाति के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होता है, निश्चित रूप से काम के आधार पर होता है, पहचान के आधार पर होता है, पैरवी कोई आधार नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी राजनीति में पैरवी सुना जाता है, समझा जाता है, विवेकानुसार काम किया जाता है। तो मैंने विधायकों का सम्मान किया है, अगर वो सम्मान गलत है तो अच्छी बात है। पैसे का भी आरोप लगा कि पैसे के लिए? वो तो निश्चित रूप से आरोप लगना तय है ना, आरोप लगना तय है क्योंकि लोगों के नज़र में लगता है कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है तो लंबी लाइन हमारे पीछे विधायक हैं तो विधायक बता देंगे सही बात कि क्या है सही है। मैंने हाँ कोई बात नहीं, आरोप लगना तय है कि आरोप तो लगेंगे। भगवान रामचंद्र पर भी आरोप लगा था, भगवान सभी भगवान पर आरोप लगे हैं तो हम पर क्यों नहीं लगेगा। तो आरोप से मैं नहीं घबराता हूँ, मैं गलत काम नहीं किया हूँ। दामन पाक साफ, बिल्कुल दामन पाक साफ है और रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको किसी ने बताया या कंप्लेन किया, किसी विधायक ने कहा होगा तो वो समीक्षा करने की बात है, समीक्षा में सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। धन्यवाद। मंत्री राम सूरत राय हमारे साथ थे, हालांकि खुलकर कुछ बात करना नहीं चाह रहे लेकिन दबी जुबान में स्पष्ट कर दिया कि मेरा दामन पाक साफ है, जब इसकी समीक्षा होगी तो सब बात साफ साफ क्लियर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।